मंदिरों ने अपने सभी दरवाजे बंद कर लिए हैं। मंदिरों में बैठे पुजारी मंदिरों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हैं। देश में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। देश में मेडिकल इक्विपमेंट की भारी कमी है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लेकिन देश के मंदिरों ने एक पैसा भी दान नहीं किया। इन मंदिरों में बैठे ब्राह्मणवादी अरबों खरबों के चढ़ावे पर आसन लगाए बैठे हैं। ट्विटर पर हैशटैग मंदिर में दान देना बंद करो ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब मुसीबत के समय ना ही भगवान काम आ रहे हैं और ना ही उन मंदिरों का चढ़ावा, तो फिर वो जा किधर रहा है। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर हिंदुस्तान के मंदिरों के पास कितना पैसा है। देश के अमीरों की बात आती है तो अक्सर अंबानी, टाटा और बिड़ला का नाम सामने आता है। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पास इन अरबपतियों से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में आता है। यहाँ हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। 2016 में इस मंदिर की टोटल वेल्थ 22.3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की टोटल वेल्थ 52,000 करोड़ रुपए है। मंदिर हर साल तकरीबन 600 करोड़ रुपए की अर्निंग करता है। शिरडी साईं बाबा का टेंपल देश के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। साल 2018-19 में लोगों ने यहां 679 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान किया। शिरडी मंदिर की टोटल प्रॉपर्टी 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में सालाना 500 करोड़ से ज्यादा दान आता है। मंदिर के पास 1200 किलो से ज्यादा गोल्ड भी है। वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की एनुअल अर्निंग 125 करोड़ से ऊपर है। हिंदुस्तान में टोटल 638,000 गांव हैं, 5,000 कस्बे और 400 बड़े शहर हैं। अमूमन हर गांव में मंदिर होता है। सिटीज में तो देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 6,00,000 से ज्यादा मंदिर हैं। तो सोचिए इस देश की कितनी बड़ी संपदा पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही कब्जा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे रिलीजियस प्लेसेज के खजाने भरे पड़े हैं। परंतु मंदिरों में बैठे पुजारी देश की भलाई के लिए एक पैसा तक दान नहीं कर सकते। भगवान के नाम पर आपकी जेब खाली की जाती है और फिर ये लोग उसे डकार मारकर चले जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये मंदिर अपनी संपत्ति दान कर दें तो एक दिन में हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाए, मगर ये ऐसा नहीं करते। धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर ब्राह्मणवादी मौज काट रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बटुए से कोई नोट निकालें तो सोचिएगा जरूर कि आपके खून पसीने की कमाई पर कौन ऐश कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।